करे जा सकत रहा था। हां हां भाई जी आता नहीं है 2-3 2-3। गौर से देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में सपेरे के हाथ में जो नागिन है वह कोई मामूली नागिन नहीं। ये नागिन लगभग 24 घंटे पहले एक महिला को डसकर उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ चुकी है। यह घटना राजधानी लखनऊ के मोहन लालगंज के उस राजा खेड़ा गांव की है जो सर्प विष उतारने के लिए मशहूर है। इस गांव में करीब 1.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जो किसी पीड़ित से बिना एक पैसे लिए अपने मंत्रों के जरिए हजारों लोगों का सर्प विष उतार चुके हैं। उसी गांव में बुधवार की शाम फोटोग्राफर का काम करने वाले सुरेश कुमार की पत्नी माधुरी को एक नागिन ने डस लिया जो अपनी मौत से बेखबर होकर रोजाना की तरह अपने हंसते खेलते परिवार के लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुटी थी। अपने काल से बेखबर माधुरी ने जैसे ही कमरे में बने टाड़ पर रखे तेल के डिब्बे को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया कि डिब्बे के बगल पहले से बैठी नागिन ने उसके हाथ में डस लिया। नागिन के हमले से डरी सहमी माधुरी जोर से चिल्लाकर घर के बाहर भागी। गांव वालों को बताया। महिला की बदकिस्मती देखिए। जिस गांव में 1.5 दर्जन से अधिक लोग अपनी मंत्र शक्ति के जरिए हजारों लोगों का सर्प विष उतार चुके हों वहां पर उस महिला के शरीर में मौजूद विष उतारने के लिए कोई मंत्र काम नहीं आया तो महिला को उस गांव के लोगों ने उपचार के लिए मोहनलालगंज के सरकारी अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पल भर में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। बुधवार को महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन गमजदा परिवार अभी भी डरा सहमा हुआ था क्योंकि नागिन अभी भी उस घर के अंदर मौजूद थी। लिहाजा परिवार ने सपेरे के सौसीरन नामक गांव में संतोष बंगाली को बुलाया। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नागिन को बाहर निकाला। तब कहीं जाकर डरे समय परिवार ने राहत की सांस ली। PPN न्यूज़ के लिए सरोज यादव की रिपोर्ट।